वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर 43 दिनों से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने कैंपी एक्सप्रेसवे का कूच कर दिया है। राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर काफिले का नेतृत्व कर रहे। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं और वो ट्रैक्टर पर बैठ चुके हैं। सर, ट्रैक्टर पर आप खुद बैठ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस चले गएंगे वो, हाँ चले दिल्ली की तरफ जाएंगे। नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जा रहे, दिल्ली के जो बाहरी रोड है उसको दिखाएंगे। दिल्ली की लेकिन रिहर्सल है ये कहें ये दिल्ली की रिहर्सल है, इसे यही हाँ दिल्ली की रिहर्सल है। एक चीज जो सामने लगातार आ रही है, अब सब लोग यही कह रहे हैं कि किसान को सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। अरे करेगी तो काम सरकार ही, भाई सरकार पर भरोसा नहीं तो किस पर भरोसा है, काम तो सरकार को ही करना है। 8 जनवरी से पहले किसान का ये शक्ति प्रदर्शन कहें इसे क्या कहें? 8 जनवरी से पहले इसे शक्ति प्रदर्शन कहें क्या? हाँ शक्ति प्रदर्शन ही कह लो इसको। 8 से कितनी उम्मीद है? अरे उम्मीद के साथ ही तो जाएंगे, कल भी बात कर रहे 11 को। भाई हम तो बिना मुकदमे की तारीख भुगत रहे। हाँ 11 को कोर्ट में क्योंकि मामला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 11 को हमें नहीं पता कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में क्यों, सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि मामला चला गया है, अभी देखेंगे क्या है मामला, हमें जानकारी। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि राकेश टिकैत साहब यहाँ मौजूद हैं जो ट्रैक्टर पर बैठ चुके हैं और जाने के लिए तैयार हैं।